नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको एआर सर्किट ब्रेकर का ट्रबल शूटिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ये ट्रबल शूटिंग के बारे में। उसी वीडियो में मैंने 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट था दोस्तों, अगर आपका ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है, क्या क्या रीजन की वजह से ब्रेकर क्लोज नहीं होता है। और सेकेंड पॉइंट था दोस्तों, ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है, अंडर वोल्टेज में या साउंड रिलीज आ जाए तो आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है और आप उसे कैसे चेक करें। और थर्ड पॉइंट में मैंने आपको समझाया था कि ब्रेकर अगर आपका पुश बटन दबाने पर भी आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है और कैसे उसे ठीक करना है। तो ये तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। तो आज का वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, जो हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट, अगर आपका ब्रेकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड फॉल्ट में ट्रिप नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसा कि मोटर हो, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर, ESP, PLC, BFD, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, इन सारे टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं बहुत सारा वीडियो ला चुका हूँ और बहुत सारा वीडियो आने वाला है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लाऊं उस वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपका ब्रेकर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या ओवरलोड फॉल्ट में ट्रिप नहीं कर रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता है, आप उसे कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, ब्रेकर का ट्रबल शूट करने के लिए आपको ब्रेकर के ऊपर आइडिया रहना चाहिए। तो कैसे ब्रेकर को मेंटेनेंस करते हैं, कौन सा पार्ट का नाम क्या है, वो सारे आप डिटेल देख लेंगे तो आपको ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए, जितना सारा पुराना वीडियो आपको हमारा प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे वीडियो को आप देखिए। सारे वीडियो देखने के बाद आप कुछ आइडिया कर पाएंगे कि ब्रेकर में सीटी कहाँ लगा है, ब्रेकर का क्लोजिंग कॉयल कहाँ पे है, ब्रेकर का ट्रिपिंग कॉयल कहाँ पे है, ब्रेकर का स्प्रिंग चार्जिंग मोटर कहाँ पे है, उसका वायरिंग कैसे किया गया है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप उसी वीडियो को देख लेंगे तो आपको आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा आज का वीडियो समझने में, कि अगर आपका ACB ट्रिप कर नहीं कर रहा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में तो आपको क्या चेक करना है और फिर आपको कैसे ठीक करना है। तो क्या क्या प्रोबेबल कॉजेस हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों, ब्रेकर में सीटी लगे होते हैं, तो सीटी का जो वायरिंग रहता है, सीटी का वायरिंग को आपको चेक करना है। अगर वो सीटी वायरिंग कहीं पे लूज़ हुआ होगा, TV अगर टाइट नहीं हुआ होगा, TV से लूज हो गया होगा, ओपन सर्किट हो गया होगा, तो ब्रेकर तो हाई करंट लेगा, लेकिन ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सीटी का वायरिंग बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो सीटी वायरिंग को चेक करें, उसका टाइटनेस को चेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, ओवरलोड का सेटिंग की अगर आपने सेटिंग को सही नहीं रखा होगा, मान लीजिए ब्रेकर का जो एक्चुअल करंट है उसके हिसाब से आपको सेटिंग करना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सेटिंग कर दिया है, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो आपका ब्रेकर ओवरलोड में ट्रिप नहीं होगा। आपका सीटी का वायरिंग सही होगा लेकिन आपका सेटिंग बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आप सोचिए, एक मोटर का जैसे आप रिले का सेटिंग करते हैं, मोटर का फुल लोड करंट के हिसाब से आप लोग रिले सेट करते हैं, तो अगर आपने रिले को सेटिंग सही नहीं किया होगा, मान लीजिए आपका मोटर का फुल लोड करंट 30 एम्पियर है लेकिन आपने रिले को 50 एम्पियर में सेट कर दिया, तो मोटर तो ज़्यादा करंट ले रहा है, फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट लेगा और आपका, लेकिन आपका रिले फंक्शन नहीं करेगा उस टाइम पे। तो इसलिए दोस्तों, ओवरलोड सेटिंग को आप ठीक कीजिए। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है दोस्तों, आपका सीटी चेक कर लिया, सीटी सही है, रिले सेटिंग भी सही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं हो रहा है तो क्या रीजन हो सकता है दोस्तों। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि हमारा जो ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट है, यानी आपका इलेक्ट्रिकल के साथ साथ
ये जो मैकेनिकल मूवमेंट पार्ट रहता है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। जो प्लंजर रहता है, जो लिंकेज रहता है, जो ट्रिपिंग बार रहता है, वो भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। अगर वो ट्रिपिंग मैकेनिज्म नहीं काम करेगा तो आपका सिट्टी सही होगा, आपका रिले भी सही काम कर रहा होगा, लेकिन आपका मैकेनिज्म जामिंग हो गया होगा तो भी ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग वो मैकेनिज्म को सही कीजिए। कैसे सही करेंगे उसको, ब्रेकर को आपको प्रॉपरली मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस के दौरान आपको क्या क्या चेक करना है, कहाँ पे ग्रीज लगाना है, कहाँ पे CRC लगाना है, किस पार्ट को साफ करना है, स्प्रिंग को कैसे एडजस्ट करना है, ये सारे मैंने अपने वीडियो में दिखा चुका हूँ दोस्तों। आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा ब्रेकर को सही तरीके से मेंटेनेंस कीजिए। अगर आप ब्रेकर का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपका ब्रेकर का रिले तो सही सेटिंग में होगा, सिटी भी सही काम कर रहा होगा, लेकिन आपका ब्रेकर का ट्रिपिंग मैकेनिज्म वो जामिंग हो गया होगा। तो इसीलिए दोस्तों उस ट्रिपिंग मैकेनिज्म को चेक कीजिए। उसको कैसे चेक करेंगे, आप मैनुअली ट्रिप कीजिए। जैसे हमारा जो पुश बटन रहता है, ट्रिप पुश बटन, उसको पुश करके ट्रिप कीजिए, दोबारा ब्रेकर को क्लोज कीजिए, फिर ट्रिप कीजिए, इलेक्ट्रिकली उसको ट्रिप कीजिए। ये मैकेनिज्म सही तरीके से काम करना चाहिए। अगर ये मैकेनिज्म सही तरीके से काम नहीं करेगा तो आपका ब्रेकर कोई काम का नहीं, आपका कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बोल बोल।